अब मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है, डिनर में कोफ्ते और मीठे में मतंजन। तंजन? ये क्या होता है? आपके लिए बनाया है, आप चख के बताएं। लग तो राइस रहा है, क्या है, स्वीट डिश है कोई? हाँ हाँ, ये मीठा ही होता है और चावलों से बनता है। क्या करती हो ना यार, तुम्हें पता है तो इस घर में सब कितने डाइट कॉन्शियस हैं। एक तो चावलों वाली डिश, ऊपर से मीठी। एंड व्हाट इज ऑल ऑफ दिस, ये क्या है इसमें? ये चमचम है। चमचम यानी मिठाई भी, और ऊपर से ड्राई फ्रूट। इट्स गोइंग टू बी सो हेवी। तो बाकी सब अगर डाइट पे हैं तो आप आज मेरे लिए डाइट तोड़ देना और मुझे चख के बताएं कि मैंने कैसा बनाया। अब तो मैं इतने प्यार से कह रही हो तो फिर ट्राई तो करना पड़ेगा। ऑनेस्टली पहली दफा खाने जा रहा हूं ऐसा कुछ। सच्ची? इससे पहले कभी नहीं खाया, किसी शादीवादी पे भी नहीं? अरे नो सिली, हमारे यहाँ डिजर्ट में इस तरह की डिशेस नहीं बनती। नो, वी हैव स्टफ लाइक आइसक्रीम, केक्स, पुडिंग्स, इस तरह की चीजें। अच्छा अच्छा, एनीवे चलो आई विल ट्राई इट। ये तो बहुत मजे का है, है ना? वेरी गुड। चलो तुम एक काम तो अच्छा करती हो, कुकिंग। आपसे मुझे एक बात कहनी थी। आप प्लीज अब नाराज तो नहीं होंगे ना मुझसे? देखिए, मैं नाराज होने का अब आपको कोई मौका नहीं दूंगी, सब कुछ सही से होगा। तो आप समझे ये स्वीट डिश मुझे क्यों खिलाई जा रही, रिश्वत के तौर पे? नहीं तो, वो तो दादो की फरमाइश थी और उन्होंने कहा था कि मैं आपको आके चखाऊं। एक तो तुम हर काम किसी के मशवरे पे करती हो यार, यू हैव अ ब्रेन, यूज इट, अपने खुद डिसीजन लिया कर। ऐसे मजे का है, खा लेता हूं। भाई वैसे एक बात है, ऐसी बिरयानी ना मैंने जिंदगी में पहली बार खाई है आज, बहुत अच्छी। वाकई बीजी, बिरयानी बहुत ही लजीज है। बीजी एक रिक्वेस्ट है, कहीं ऐसा ना हो अब हमारे घर में इस किस्म की बिरयानी हर रोज पकनी शुरू हो जाए। आप जानती हैं हम थोड़ा डाइट कॉन्शियस हैं। दादू। अरे मतंजन, क्या बात है भाभी, आप तो पार्टी करा रही हैं हमारी। ऑफ कोर्स बेटा, आज नहीं, आपका एक्चुअली पहला दिन था ना किचन में। भाई मैं चाह रही थी कि ये खीर पकाएं और इसने ये कहा कि ये तो बिरयानी भी बड़ी अच्छी बनाती, तो मैंने कहा लो भाई तुम बिरयानी भी साथ ही साथ बना लो। क्या बात है, वेरी नाइस जी। भाभी एक बात है, वैसे आपने इतनी अच्छी बिरयानी बनाई है कि पेट भर गया, नीयत नहीं भर रही। वैसे नायब, तुम किचन में क्यों रहती हो? इतने मुलाजमीन है घर में, यू डोंट हैव टू डू दैट। खैर, घर में कोई एक फर्द तो ऐसा होना चाहिए ना जो मुलाजमों के ऊपर नजर रख सके। बस अब बड़ी बहू आ गई है ना घर में, मैंने सारी जिम्मेदारियां इसको सौंपने का इरादा कर लिया है। और जब तक नौकरों के ऊपर निगाह ना रखी जाए, कभी अपना काम ढंग से नहीं करते वो लोग। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब भाभी आप सुपरवाइज करेंगी सबको। अच्छा भाभी, बिरयानी तो बहुत खा ली, मतंजन खाने का दिल चाह रहा है, जरा प्लेट दीजिएगा प्लीज। जी हाँ। थैंक यू। वैसे निकी आंटी, जावी की तरह नजर नहीं आ रही। अरे हाँ, जमीला जवेरिया को बुलाकर लाओ। जैवी नहीं आएगी टेबल पे, वो ये देसी किस्म के खाने नहीं खाती है। उसने खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया, वो अपने कमरे में खाना खा रही है। अब आंटी आप मतंजन खाइए ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजे का बनाया है, चख के बताएं कैसा। ये क्या बदतमीजी है साफ यार, तुम्हारी बीवी को कोई टेबल मैनर्स का आता पता नहीं है, प्लेट उठा ली जबकि मैं खाना खा रही थी, किसी गंवार लड़की को उठा के लाया था। मॉम डिपेंडेंट नहीं, प्लीज जावियर मेरा खाना कमरे में भिजवा दो।
साफियार, तुम्हारी बीवी को कोई टेबल मैनर्स का आता पता नहीं है? मेरे सामने से मेरी प्लेट उठा ली जबकि मैं खाना खा रही थी। किसी गंवार लड़की को उठा के लाया था। तुम यहां हो? तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा हूं। क्या हुआ है, यहां क्यों बैठी हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि किसी की प्लेट में खाना डालना एटिकेट्स के खिलाफ होता है। प्लीज यार, छोड़ दो अब ये सब कुछ। I'm sorry, Savyan. Sorry? फिर sorry? दिन में कितनी दफा सॉरी बोलोगी? और इस तरह शर्मिंदा होने से बेहतर है तुम अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करो। देखो, ये सब करके तुम मेरे घर वालों को इंप्रेस नहीं करोगी। यहां पर किसी को ये चीजें नहीं पसंद। जिस तरफ तुम्हें ध्यान देना चाहिए उस तरफ ध्यान दो। दो हफ्ते हो गए तुम्हें यहां पर आए हुए, लेकिन अभी तक छुरी कांटे से खाना नहीं सीखा तुमने। यार, जिस तरह का हमारा रहन सहन है उसको सीखो, और प्लीज थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। तो मैं कोशिश कर तो रही हूँ साफियान, और फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता ही सीखता है ना। मैं कब कह रहा हूँ कि एक दिन में सीख लो सब कुछ, लेकिन प्लीज कहीं से तो स्टार्ट लो ना। आई मीन, अब ये देखो ना, ये क्या कपड़े पहने हुए तुमने? घर में इतना फॉर्मल ड्रेस पहनने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास और कपड़े नहीं है? आपने खुद ही तो मेरे सारे कपड़े मुलाजिमों को दे दिए। ये चार पांच ही बच गए हैं बस। सॉरी, मैं भूल गया, मैं तुम्हें कपड़े ला के देने थे। यार, तुम ड्राइवर के साथ चली जाती, तुम्हें पता है मैं बिजी होता हूँ। अच्छा, ये लो मेरा कार्ड रख लो, कल जमीला के साथ जाके शॉपिंग कराना। जमीला के साथ? आप नहीं, मेरे अगले 3-4 दिन बहुत बिजी हैं। अगर तुम बहुत इंसिस्ट करोगी तो ले जाऊंगा, लेकिन देखो मॉम और जेवी भी तो बिजी होंगे ना। बेहतर यही होगा कि तुम जमीला के साथ चली जाओ प्लीज। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ ना, सारे आप यहीं बैठ रहे। हाँ जी, बीबी जी को पसंद आया? ये सब तो बहुत चमकीले से काम वाले हैं, मुझे तो घर में पहनने के लिए कुछ सादा सा सूट चाहिए। बीबी जी, आप ये देख लें, इसके बाद मैं आपको दूसरी शॉप पे ले जाऊंगी, वहां से भी देख लीजिएगा। आप ये देखे जरा, कैसा लग रहा है ये कलर आप पे बहुत शूट करेगा, ये देखे। नहीं, यहाँ पे ये देखे, यहाँ पे तो सादा सा सूट भी कितना महंगा है, 10,000 का। आपको पता है वो जो हमारे घर के पास दुकानें है ना, उधर तो महंगे से महंगा काम वाला लहंगा 10,000 में मिल जाता है, और 3-piece suit 1500 में। मेरी भाभी वहीं से शॉपिंग करती हैं। पर बीबी जी, आपको पैसों की क्या टेंशन है? जावियर साहब ने आपको अपना क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, आप दिल खोल के शॉपिंग करें जी। यहाँ से चीजें उठाए और कीमत देखने की भी जरूरत नहीं है, काउंटर पे पैसे जमा करा दे। आसने, 1-10 suit मुझे भी ले दे अपने खाते में। ठीक है, ले दूंगी, अब कहीं और चल के देखें। अच्छा, चले जी, चले। थक गई हूँ मैं, कोई शायद नहीं आपको पसंद आ रही।